दोस्तों जय हिंद। मैं जितेंद्र सिंह पेरवाल, इंदौर फिजिकल एकेडमी सत्यादि शर्मा क्लासेस। दोस्तों हमारे यहाँ पर फिजिकल के साथ साथ रिटर्न की तैयारी भी होती है, एकमात्र संस्थान है सत्यादि शर्मा क्लासेस। दोस्तों एक बहुत बड़ी खुशखबरी और मेरे लिए एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ पर आज 55+ बच्चों का सिलेक्शन हो गया। थैंक यू सो मच दोस्तों। ओनली मेरा एक गाइड, एक मेरा खड़ा होना और ओनली बस मेरा मार्गदर्शक था। सब मेहनत इन 55 बच्चों की, इन 55 बच्चों को मैं अपना सलाम, मैं अपना शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज वो सफल हुए और मैं भी एकदम खुश हुआ हूँ। दोस्तों सबसे पहले स्वागत करता हूँ रवि, साथ में कन्नौजे विजय कन्नौजे और साथ में नेहा। दोस्तों कुछ बंदे हमारे बाहर है, खुशी जश्न मनाने घर भी गए, किसी का घर पास में पड़ता है, बोले कि सर हम कल आएंगे परसों आएंगे। जी हाँ, हम सभी 55+ बच्चों का आपका इंटरव्यू करवाएंगे। दोस्तों एक बार इनका स्वागत तो बनता है। साथियों मैं सबसे पहले बुलाऊंगा रवि को, अपना अनुभव बताएगा किस प्रकार उन्होंने 800 मीटर तय करा। मेरा नाम रवि खेड़कर है, मैं खरगोन जिले से बिलोंग करता हूँ। मेरा जेल प्रहरी में 4 मार्च को मेरा फिजिकल टेस्ट था जिसमें मैं क्वालिफाई हो चुका हूँ, रनिंग भी और गोला। मैं पिछले 2 महीने से सर के छत्रछाया में ट्रेनिंग ले रहा हूँ। जैसे मेरा रिजल्ट आया मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी सर के छत्रछाया में। और 800 मीटर मैं किस तरह से दौड़ना है सर ने मुझे बखूबी सिखाया, किस तरह से हमें पहले राउंड में दौड़ना है और किस तरह से हमें अगले राउंड में दौड़ना है, लास्ट वाला राउंड। तो बहुत अच्छे से सर ने हमें बताया और यही इसी मार्गदर्शन के कारण ही मैं कल 800 मीटर रेस में क्वालिफाई हो पाया। और गोला भी शुरू में आ नहीं रहा था मेरा, 3 मिनट आ रहा था, पर जो टाइम है जिस हिसाब से जो डिस्टेंस है उसमें लाने के लिए मैंने काफी ट्रेनिंग करी सर के मार्गदर्शन में और अब मेरा इस तरह से रहा कि मैं क्वालिफाई उसमें भी कर पाया। अरे वाह। और सर, और मैं कहना चाहूंगा कि सर के इतने अच्छी ट्रेनिंग में सभी बच्चे यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शन कर पाते हैं एग्जाम में, फिजिकल टेस्ट में। तो मैं सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। तो इसके साथ अंतिम तो मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, हारा वही जो लड़ा नहीं। सेकंड मैं बनाऊंगा आपको पीछे को। जय हिंद साथियों। मेरा नाम विजय कन्नौजे है, मैं बड़वानी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरा 4 मार्च का फिजिकल था जेल परी का जी। और मैं वहाँ पर बहुत ही अच्छी रनिंग करा। फर्स्ट राउंड में मैं बहुत ही पीछे था क्योंकि वहाँ पर मैं सुबह से पहुँच गया था, सुबह 6 बजे से पहुँच गया था और वहाँ रोल नंबर वाइज बुला रहे थे जी। तो मेरा 2-3 बजे के समथिंग मेरा नंबर आया और वहाँ पर मैं भूखा भी था और सर ने बोला था ये डाइट ले लेना। तो भारत के सभी प्रांत से लड़के आए हैं, झारखंड, राजस्थान, बिहार, यूपी, गुजरात, सभी से मिलकर ट्रेनिंग करने का मजा ही कुछ और है। यहाँ पर सभी परिवार जैसे रहते हैं और सर का बहुत अच्छा व्यवहार है, मैं सर को धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय साथियों। जय हिंद। मैं नेहा मेहरा होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। साथियों सर के मार्गदर्शन और सर की मेहनत की वजह से आज मेरा जेल प्रहरी का एग्जाम क्वालिफाई हुआ है। मेरे लिए ये बहुत बड़ा टास्क था क्योंकि पहली बार मैं कोई फिजिकल एग्जाम में अपीयर हुई हूँ और मैं पहले ही राउंड में थक जाती थी और मुझसे शॉर्ट पुट भी नहीं जाता था, लेकिन सर का मार्गदर्शन मिला, मुझे सर का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला जिससे मैं ये सक्सेस हुई हूँ। बधाई हो आपको। और मैं आगे आने वाले साथियों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारा वीडियो देखें, सर किस तरह से शॉर्ट पुट की प्रैक्टिस कराते हैं, सर किस तरह से रनिंग कराते हैं, वो सारी चीजें सर की देखें और आपको जरूर सफलता मिलेगी। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भारत माता की जय। भारत माता की जय। थैंक यू सो मच दोस्तों। इसी तरह आप अच्छे से मेहनत करिए,
कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता, और बंदा हारता हुई है जो मेहनत नहीं करता। डाउन अप, डाउन, किसके पूरा अप, डाउन, बैरिस्टर, डायरेक्शन चेंज।